ये ट्रैक्टर वाले को पूछे तो बता रहा है कि जलपल्ली के ऑफिसर्स उनको यहाँ पे कचरा डालने के लिए बताए गए। देखिए पूरा कचरे का अंबार यहाँ पे, क्योंकि एक तालाब था यहाँ बैठने के लिए, पूरी सिटिंग थी एक, यहाँ पे लोग आके अपना गुजारा करते थे क्योंकि आसपास कुछ जगह नहीं है। अभी कचरे का अंबार यहाँ पे दिख रहे को देखिए। ट्रैक्टर वाला बताया कि जलपल्ली ऑफिसर्स ने इनको हिदायत दी कि यहाँ पर कचरा डाले। ఎన్ని పది బండిలు వస్తున్నాయా? ये जलपल्ली का तालाब, कचरा देखिए कैसा पड़ा हुआ है। और इधर से तालाब जो गुज़िदा बारिश थी उस जो बारिश में ओवरफ्लो हुआ था, अभी भी थोड़ा सा पानी यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है। और एक तरफ कई रुपये डाल के अगर आप देख सकते हैं ट्रैक्टर आ रहे हैं, और ऊपर जो जाली देख सकते हैं आप लोग, वो जाली को कई करोड़ों रुपये लगाए होंगे, लाखों रुपये लगा कर इसको लगाया होगा। और वहाँ पर सिर्फ कचरा डाले जा रहा है, कोई सहूलत और नहीं। पूरे तालाब के पास कचरे का अंबार, श्रीराम कॉलोनी जलपल्ली से ये कचरा ला के यहाँ डाला जा रहा है। रोज़ 10-12 गाड़ी करके यहाँ के लोग बताए गए। यहाँ पे बैठने के लिए कुर्सी वर्सी भी डाला गया था, और सामने पुलिस वालों को भी रखा गया है ताकि अंदर कोई ना आए। ये जलपल्ली तालाब का कट्टा जो नया बनाया गया था,